So now today start again applet. Applets in Java. So applets in Java will discuss about the a different type of life functions and methods. So now first I'll teach you life cycle of an applet. So we'll discuss about life cycle an applet. So first method is that init. Init method is initialization occurs when applet loaded. यहाँ पर applet load होता है इस केस में. And second one is start method. Start method. That means यहाँ पर क्या होगा? Override to implement start operation. Overridden to implement the start operation. अगर नेक्स्ट बात करें जो मेथड है वो आपका आएगा यहां पे स्टॉप. स्टॉप मेथड जो है आपका दैट मीन्स किल या आइदर लीव द पेज. ओके लीव द एप्लेट पेज दैट मीन्स स्टॉप. एंड नेक्स्ट वन इज डेस्ट्रॉय मेथड. सो डेस्ट्रॉय मेथड दैट मीन्स क्लीन अप प्रोसेस. परफॉर्म क्लीन अप प्रोसेस व्हेन द ब्राउजर एग्जिस्ट यानी कि बंद हो जाता था. तो दीज आर द फोर मेथड विल हैव टू फॉलो एन एप्लेट्स. सो नेक्स्ट इज दैट पासिंग द वैल्यूज टू ए डबल पी एल ई सी. तो अब एप्लेट में वैल्यू पास कैसे करते हैं उसके लिए आपको एट्रीब्यूट परम यूज करना पड़ेगा. सो परम एट्रीब्यूट इन द एप्लेट टेक वी कैन पास द वैल्यू. सो हाउ कैन वी पास द वैल्यू? जस्ट ओपन द नॉट पेट. ओके एंड देन import java.awt.star. now import java. okay, import java dot applet dot awt applet dot star hash semicolon एक मिनट. okay now सो फर्स्ट टू हेडर फाइल विल हैव टू डिक्लेयर. यहां पे दो हेडर फाइल इम्प्लोड करनी पड़ेगी आपको. उसके बाद पब्लिक क्लास टेस्ट पी ए आर एम परम ई एक्स टी एन डी एक्सटेंड्स ए डबल पी एल ई टी. सो नाउ कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एक मिनट. ओके ओपन एंड क्लोज. सो नाउ फर्स्ट फॉन्ट F equals to new font Arial Arial. okay and now font dot bold comma 24. तो यहां पर हमने एक font define कर लिया. अब string एक variable लेंगे. तो S should be a capital when you are using a string. एस मैंने ले लिया है यहां पर. फिर उसके बाद पब्लिक void डिस्प्ले फंक्शन बना दिया है या पेंट बनाते हैं पेंट. ओके यहां पर जी आर ए पी एच आई सी एस ग्राफिक्स जी हम ले लेंगे. देन अब इसकी डेफिनेशन देंगे हम जी डॉट सेट फॉन्ट एफ जो हमने बनाया था उस फॉन्ट को सेट कर लेंगे. ओके तो सेट करने के बाद हमें क्या करना है यहां पे
इस कोड के अंदर आना है और यहां पर क्या करना है, जी डॉट सेट कलर, कलर डॉट ब्लू सपोज आई एम टेकिंग, एंड देन जी डॉट डी आर ए डब्ल्यू ड्रॉ एस टी आर एंज स्ट्रिंग, सो एस कोमा 10 कोमा 50 आई एम टेकिंग अवर ईयर. ओके, सो नाउ दिस कोड इज कंप्लीट. नाउ वी हैव टू राइट पब्लिक वॉइड इन इट. सो पब्लिक वॉइड इन इट मुझे लिखना पड़ेगा. तो पब्लिक वॉइड इन इट लिखने के पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं. ठीक है, तो यहां पर हम एक परम क्लास बना रहे हैं. ठीक है, उसके नाम से सेव कर देंगे पब्लिक क्लास परम. ओके, नाउ अब क्या करेंगे, पब्लिक वॉइड इनिट यानी कि इनिशियलाइजेशन होगा. अब इनिशियलाइजेशन होगा तो ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट आएंगे इसी. नाउ एस इक्वल्स टू गेट पी ए आर ए एम पैरामीटर ऑफ एस, देन इफ एस डबल इक्वल्स टू नल, देन एस इक्वल्स टू नल वैल्यू रिटर्न. ओके, नल वैल्यू यहां पे रिटर्न हो जाएगी, यानी कि ये कोड मेरा ओवर हो गया. सो नाउ मैं इसको सेव कर देता हूं फाइल को, किस नाम से, टेस्ट पी ए आर एम डॉट जावा, और इसको एग्जीक्यूट करता हूं सी एम डी से. ओके, नाउ सी डी डी ओ सी एंड सी डी जावा एंड जावा सी टेस्ट पी ए आर एम परम डॉट जावा. सो एरर इज दैट, कि क्या एरर आ रही, इफ एस नल. तो एरर क्यों आ रही है ये भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट पुटिंग अवर हियर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. ओके, सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हम जब तक नहीं डालेंगे तो इस तरह की एरर वहां पर आ सकती है. ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें होती है, हम इसमें इवेंट के थ्रू बटन्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम बना सकते हैं इसमें, वो मैं आपको सब बताऊंगा. तो यहां पर क्या करना है, मुझे क्लास बनानी थी मेरी, वो क्लास मैंने बना ली. ओके, क्लास बनाने के बाद पहले मैं एरर चेक करता हूं कि नो एरर किस बात की दे रहा है. लेट मी जस्ट फिनिश. ओके ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू राइट सी एल ए डबल एस क्लास. नाउ चेक इट वंस अगेन. ओके, नाउ वी आर गेटिंग थ्री इयर्स गेट पैरामीटर्स. सो गेट पैरामीटर फंक्शन में ये हमें एरर दे रहा है, पी ए एस इक्वस टू गेट पी ए आर ए एम ई टी ई आर पैरामीटर ऑफ ए पब्लिक वॉइड इन इट, यानी कि इनिशियलाइजेशन हो गया और एक क्लोज हो गया, दो क्लोज हो गया. ठीक है, एस इक्वस टू नल वैल्यू रिटर्न कर रहा है ये बिल्कुल स्ट्रिंग जो है. ओके, उसके बाद दो क्लोज हो गए, यानी कि ये सही है. नाउ जी डॉट सेट कलर, कलर डॉट ब्लू, जी डॉट ओके ड्रॉ, ड्रॉ वी हैव टू रॉन्ग. ओके, डी आर ए डब्ल्यू. नाउ लेट मी एग्जीक्यूट अगेन. ओके, नाउ टू एरर, वी आर राइटिंग एक्सटेंड एप्लेट, सो दैट इज स्ट्रिंग. ओके, कैन नॉट फाइंड सिंबल गेट पैरामीटर्स. ओके, एंड थ्री एरर, वन इज गेट पैरामीटर एंड ड्रॉ स्ट्रिंग. तो ड्रॉ स्ट्रिंग मेरा अभी फाइल सेव नहीं हुआ, शायद एक मिनट, वापस से इसको सेव करनी पड़ेगी मेरे को. सो अल्टर एफ एस सेव. ओके, पब्लिक स्ट्रिंग फॉन्ट बोल्ड एरियल सेट फॉन्ट सेट कलर ड्रॉ स्ट्रिंग. ओके, एंड नाउ
सो अगेन एग्जीक्यूट, टू एरर्स, एरर इज दैट ओनली एक्सटेंड्स एपलेट्स, सो लेट मी चेक, पब्लिक क्लास टेस्ट परम EXTEN एक्सटेंड्स AEEE एपलेट, ठीक है। तो मेरा ये कोड मैंने यूज किया एपलेट यहाँ पर, देन उसके बाद फॉन्ट फ्यू नो एरियल फॉन्ट बोल्ड 24 स्ट्रिंग एस नाउ पब्लिक वॉइड पेंट ग्राफिक्स जी देन जी डॉट सेट फॉन्ट एफ एंड सेट कलर डॉट ब्लू जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग एस 10,50 एंड क्लोज नाउ पब्लिक वॉइड इनिट एंड पैरामीटर। सो ओके, अब ये ध्यान रखना है कि जब तक इसकी क्लास फाइल नहीं बनती है हम इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। सो क्लास फाइल बनानी जरूरी है, और क्लास फाइल में ये क्या बोल रहा है कि जो इसका एप्लेट हमने लिया है, एप्लेट क्लास है या नहीं है हमारे पास, तो हमें एक एप्लेट नाम की क्लास इसमें देखना पड़ेगा कि हमें बनाई हुई है या नहीं। तो हमने इसको डायरेक्ट एक्सटेंड किया है, ओके। सो एक्सटेंड करने के बाद इसको हम एक्सेस कर लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ पे सारा कॉलम हो जाएगा। देन हम बात करते हैं अब इसकी, इम्पोर्ट सही लिखा है एपलेट डॉट एपलेट, ओके, दिस इज नॉट एक्सेसिबल, ओके, नाउ वी कैन एक्सेस एपलेट, ओके। तो हमारी क्लास फाइल बन गई है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक नई फाइल बनानी है, इसमें एचटीएमएल कोड लिखना पड़ेगा। तो एचटीएमएल आइदर हम अपनी कल की फाइल भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन हम बना लेते हैं, ओके। सो अल्टर एफ ओपन और डोंट सेव, यहाँ पर हमारी एचटीएमएल फाइल है डॉट एचटीएमएल, एक मिनट, वेयर इज द ऑल फाइल्स। सो यहाँ पर हमारी एक डॉट एचटीएमएल फाइल थी, एक मिनट, ओके। सो नाउ अ फोल्डर एंड डॉक्यूमेंट देन जावा, और यहाँ पर देखते हैं हमारी डॉट एचटीएमएल फाइल किस नाम से थी, यस दैट वन, हेलो जावा के नाम से, ओके। तो इसको हम ओपन कर लेंगे, राइट क्लिक, एंड इसी में ही कुछ एडिटिंग नहीं करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे ताकि हमें लिखना कम पड़े, ओके। नाउ ओपन विद, चूज प्रोग्राम एंड देन अदर प्रोग्राम्स, नाउ नोट पेड, वी आर ओपनिंग अवर, सो कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल एन कंट्रोल वी, ठीक है। हमने ये फाइल बना ली। अब इस फाइल में क्या करना है कि मुझे मेरी जो चीज़ें हैं बेसिक चीज़ें वो तो वही रहता हूँ, हेडिंग जो भी है आप देख लेना, यूज ऑफ, अब एप्लेट कोड में आऊंगा, जो मेरी क्लास फाइल का नाम है वो मुझे लिखना है यहाँ पे। तो क्या लिखूंगा, टेस्ट PARAM, टेस्ट परम मेरी क्लास फाइल है, विड्थ वही रखता हूँ, और यहाँ पर क्या कर देता हूँ मैं, PARAM परम नेम यानी पैरामीटर नेम एस कॉमा वैल्यू पासिंग वैल्यू फ्रॉम HTML, ओके। तो ये पासिंग वैल्यू यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अब परम को क्लोज करना जरूरी नहीं है, हम इसको सेव कर देते हैं TESAPPLET डॉट HTML के नाम से, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं नाउ, यहीं से कर लेते हैं, ओके। सो नाउ APPLETVIEWER, क्या नाम था, APPLET एप्लेट, ओके, क्लास फाइल सॉरी, और TESTPARAM, वाओ इट्स नॉट वर्किंग, व्हाटएवर,
apt applet viewer, and then my file name is that. So yes, it is right. Applet viewer, applet applet. Okay, and viewer test param dot cla double class. What happened? Not working. Let me just see the case why it is not working. Applet viewer. Okay, applet dot html. Okay, it will work. Yes. So passing our value यहाँ पर आ गई. देखिए जो मेरी वैल्यू पास हुई थी वो लिखा हुआ आ गया पे. ठीक है, जो मैंने वैल्यू पास करी वहाँ पे. तो ये चीज आपको समझ में आई. ओके, सो नाउ नेक्स्ट डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स एंड मैनी मोर. सो बिफोर वी गो हम बात करेंगे वो सारी चीजों की. सो नाउ अगर हम बात करें न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे डिस्प्ले करानी है, अगर उसकी बात करें तो वो भी हम कर सकते हैं. इट्स वेरी सिंपल, नथिंग शुड बी फीवर ऑफ दैट कि वैल्यू क्या होगी, एडिशन क्या होगा. सो हम एडिशन करेंगे. सो एडिशन करने के लिए मैं कोड ले लेता हूँ, नॉट पेट, और यहाँ पे इम्पोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट स्टार एंड इम्पोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू पी एल ई टी अपलेट डॉट स्टार. ओके, सो नाउ पब्लिक क्लास नम वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू ई एक्स टी एन एक्सटेंड्स ए डबल पी एल ई टी. ठीक है, हमने ये वैल्यू बना दी. अब मैं बात करता हूँ कि ये जो वैल्यू बनाई है इसको मैं एक्सेस कैसे करूँ. तो उसके लिए एक फंक्शन बनाऊंगा, पब्लिक वॉइड पेंट ग्राफिक्स जी. नाउ इंटीजर वी वन 10. ओके, नाउ इंटीजर वी टू इक्वल्स टू 20. जस्ट लेट मी राइट डाउन इक्वल. ओके, तो दो वैल्यू हमने ले ली. नाउ इंटीजर सम इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू एंड नाउ स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू सम. सो सम प्लस एस टी आर आई जी स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ सम. ओके, एंड नाउ जी डॉट डी आर ए डब्ल्यू एस टी आर आई एन जी स्ट्रिंग. ओके, एस कोमा 100, 100. इसकी विड्थ और हाइट हम दे देंगे. ये आपका कोड यहाँ पे प्रिपेयर हो गया, यानी कि ये जो मेरा कोड है ये मेरा कोड बन चुका है. अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ नम वैल्यू डॉट जावा के नाम से, और इसको एग्जीक्यूट करूंगा मैं. ठीक है, सो जावा सी नाउ नम वैल्यू डॉट जावा. ओके, एग्जीक्यूट हो गए, क्लास फाइल जनरेट होगी. अब एचटीएमएल फाइल बनानी है यहाँ पे, तो ये एप्लेट वाला कोड ही ले लेता हूँ मैं. तो सी कंट्रोल एन एंड कंट्रोल वी. ओके, एंड जो फाइल है यहाँ पे क्या चेंज करूंगा, सिर्फ यहां पर मैं क्या करूंगा, नम वैल्यू डॉट क्लास फाइल. ओके, फर्स्ट तो क्या करूंगा मैं, नम वैल्यू डॉट क्लास. ओके, यानी कि या तो मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं पहले करूं एप्लेट वी आई ई डब्ल्यू ई आर, और मेरी जो फाइल क्या नाम थी, नम वैल्यू लिखते हैं तो ये नहीं चलेगी. लेकिन नम वैल्यू डॉट अगर मैं क्लास लिखूंगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी सिंपल.
इसके लिए मुझे एक HTML कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अब इतना कोड मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक एप्लेट में जो मैंने लिखा है, हाइट विड्थ भी मैं ना लिखूँ, तो अगर मैं इस कोड को यहाँ से हटा देता हूँ, सॉरी, यस, दैट इज जस्ट वी हैव टू राइट जस्ट अ कोड इक्वल्स टू क्लास नेम। ओके, तो क्लास नेम को भी अगर लिख दिया मैंने, ठीक है, हो गया, और इसको सेव कर देता हूँ, Ctrl+S, AppletApplet1.html के नाम से, और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। ओके, नाउ एप्लेट व्यूअर, नाउ AppletApplet1.html, तो देखिए यहाँ पर एप्लेट्स आ गया है और सम यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। तो दिस इज द आउटपुट, वी कैन एक्सेस अवर कोड और चीजें। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो है वो काफी अच्छा मैटर है, ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स के लिए मैं बाद में बताऊंगा आपको, उसके पहले हम बात करते हैं गेटिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। अगर यूजर से इनपुट लेना हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, कोड हमें लिखना होगा, या फिर बात करें तो ग्राफिकल एनवायरनमेंट में टेक्स्ट फील्ड क्लास हमें बनानी पड़ेगी एप्लेट पैकेज के लिए। तो कैसे बनाएंगे मैं आपको बता देता हूँ, टेक्स्ट फील्ड ऑफ क्लास, सो नाउ आई एम जस्ट पुटिंग अवर हियर, Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+N, Ctrl+V, बोथ द फाइल शुड बी हियर, एंड नाउ वी आर चेंजिंग क्लास। क्लास का नाम ले करेंगे हम यूजर इनपुट एक्सटेंड एप्लेट्स, पब्लिक क्लास हो गया। उसके बाद यहां पर क्या करेंगे हम, ये जो ये वाली चीज है हम इसको हटा देंगे, एक्सटेंड हो गया। अब क्या करेंगे हम, टेक्स्ट फील्ड लेंगे, किस तरफ का, TEXT टेक्स्ट वन टाइप का, और एक लेंगे TEXT टेक्स्ट टू टाइप का, यानी कि दो फील्ड मेरे को लेने हैं। फिर एक फंक्शन डिजाइन करता हूं मैं, पब्लिक वॉइड इन इट इनिशियलाइजेशन के लिए, और यहां पर अब जो मैंने फील्ड लिए हैं, मेरा पहला फील्ड है TEXT टेक्स्ट वन न्यू, सॉरी, टेक्स्ट वन इक्वल्स टू न्यू TEXT FIELD 8 कैरेक्टर्स का मैंने दे दिया, कम टोपी एंड नाउ पेस्ट, एंड नाउ टेक्स्ट टू इक्वल्स टू न्यू टेक्स्ट फील्ड ऑफ 8। सो नाउ वी आर मेकिंग अ कीवर्ड 8, सो नाउ 8 TEXT टेक्स 1, नाउ 8 TEXT टेक्स 2, दोनों को हमने ले ले लिया, ठीक है। जब दोनों को ले लिया तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, TEXT टेक्स 1.set text, जो टेक्स्ट मुझे इसमें सेट करना है वो मैं कर दूंगा, और यहां पर text2.setText0। नाउ ये कोड मेरा कंप्लीट यहां तक हो गया। अब इसके बाद मैं एक फंक्शन बनाऊंगा वापस से, PUBLIC पब्लिक वॉइड पैंट graphics g। ओके, तो ग्राफिक्स जी में मैं क्या करूंगा, वापस उसकी जो मैंने अब तक सेट की थी, सपोज आई एम टेकिंग अवर ईयर, इंटीजर एक्स इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू 0 एंड जेड इक्वल्स टू 0, तीन वेरिएबल मैंने इनिशियलाइज कर देता हूँ, और स्ट्रिंग ले लेता हूँ यहाँ पे, स्ट्रिंग इक्वल्स टू सॉरी स्ट्रिंग S1, S2, S3, तीन स्ट्रिंग मैं ले लेता हूँ। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, इस लाइन को हटा दूंगा और यहां पे लिखूंगा अपना कोड, g.drawString। तो यहां पर क्या करूंगा, ड्रॉ स्ट्रिंग में एस की जगह मैं एक मैसेज लिखूंगा, क्या मैसेज लिखूंगा,
input a number in each box. हर बॉक्स में एक नंबर इनपुट होगा. 10 और 50 इनकी कोऑर्डिनेट सेट कर देता हूं मैं. ओके नाउ उसके बाद ट्राई ब्लॉक आ जाएगा मेरा. अब ट्राई ब्लॉक में मैं क्या लिखूंगा कि s1 equals to text text1 dot get text. ओके एंड देन ब्लैंक. देन x equals to integer dot parse parse int or s1. ठीक है, ऐसे ही मैं s2 करूंगा. copy and now west. so ये मेरा क्या है s2 और ये मेरा है y और यहां पर आ जाएगा मेरा s2. तो ये वैल्यू पार्स हो गई. देन इसके बाद ये ब्लॉक क्लोज और कैच. कैच मेथड में यहां पे लगाऊंगा कैच. सो कैच ऑफ ई एक्स ई पी टी आई ओ एन एक्सेप्शन ई एक्स मैंने बना दिया है यहां पे. एक्सेप्शन ई एक्स बनाया है और इसको मैं यहां पर ब्लैंक छोड़ देता हूं. सो नाउ जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड अगेन s is goes to string dot value value of z. okay now g dot draw draw strings draw string and the sum of plus sorry sum of comma 10 comma 75 okay and g dot draw string g dot draw string and s comma 100 coordination center jo iske coordinator okay now close and we have to write public static section action event 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 type ka and objectct object object type ka. so now repaint repaint and return return true now close and then close. so I'll just compile this one and what is the name of this file user in dot java and now execute java c u s e r user in dot java and let me just check two error expected actions. so first just check how many 1 close 2 close 1 and okay yes much more close over here. so now error is that action. so now check this is not be access BOOLEAN because boolean always return true and false so we have to pass the boolean types. so now let's see. okay so s string dot value f error is that text filled okay text filled where is that text filled okay so I am writing a different word filled okay now so let me check again okay now two error is that which one is that s for a string value of and line number is that 30 so 18 15 21
एंड नाउ 30 एंड 30. सो नाउ दिस इज द, तो नाउ वी सी दैट व्हाट इज द एरर ऑफ दैट मैनर. सो जेड एस इक्वल्स टू, सो वी आर नॉट हैविंग एस, सो वी हैव टू टाइप S3 we are having S3 and we have to Z and now let me check because we don't have S3 variable. Okay, now one error is that yes we have to write S3 again and now program is compile. Okay, class file generated. Okay, so now we have to make again applet. So I am just writing a change of name of that class UACR user in. Okay, and save it over here. And now remove this file. Either we have to comment this file. Okay. So now just get it over here. Applet viewer, applet one. So now you can see that a box is here. Okay, so I'm just putting 10 and 20. So okay, sum is not working, so let me check why sum is not working. Three string dot value of z and we are having z, so z equals to x plus y, it is working. So let me just see that again why working is. Okay, now close and Alt F and S, and again I have to execute user is in Java and applet viewer 1 was dot HTML. So now 10 and 10, so sum is not working somehow. Let me just see that the contain class file compiler applet class file and okay. So first we have to compile the applet class file. Okay, now applet viewer user in dot cl class. Okay, now okay, not working output result. Let me just see that why output is not coming over here. Okay, program is running. Yes, you can see that a large when I am just minimizing the output will come. Okay, so you can see that if I am trying to that one. Okay, and now you can see that 200 when large the screen. I show. So this is the code we have to write in applet, and please tomorrow we'll start a code like that graphics programming in Java. So let's see. Till now, thank you, have a nice day, bye bye.